देखो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड्स, लॉर्ड डिस्कस थोड़े से रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद टूल्स को डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि आगे जाके ना जो भी मॉडलिंग होगी थोड़ी एडवांस मॉडलिंग होगी, तो उसमें टूल पता होनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल एक बीम बना रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बिना सपोर्ट के मैं लोड लगा रहा हूँ, क्योंकि लोड मैंने आपको बताया था कि लोड सपोर्ट आगे पीछे आप लगा सकते हो, पहले लोड बाद में सपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया जनरल लोड एंड डेफिनेशन, और यहाँ पे लोड केस पे क्लिक करके मैंने ऐड किया, और यहाँ पे मैंने एक डेड लोड ऐड कर लिया। अब इस डेड लोड पर क्लिक करके फिर मैंने ऐड किया, और यहाँ पर हम आ गए थे मेंबर लोड, और मेंबर लोड में हम यहाँ तक कर चुके थे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ लीनियर वेयरिंग लोड, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार में ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपको लोड अगर इस तरीके से लगाना है ना, लीनियर ही वेरी हो रहा है ना, यूनिफॉर्म वेरिंग तो नहीं है, ये लीनियरिंग वेरिंग है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं लोड को, ये है W1 लोड की वैल्यू और ये है W2 लोड की वैल्यू। अगर मैं W1 को 0 कर दूं तो ये लोड किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म में, है ना। और ये दूसरा वाला जो लोड है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले लोड की बात करूं, तो ये इस तरीके से ट्राइंगल लगता है, बीच में इसका मैक्सिमम लोड पॉइंट होता है, ठीक है, और दोनों एंड पे 0 0 होता है। तो इसको लगा के देखते हैं एक बार। सबसे पहले फर्स्ट लोड मैंने डाला वैल्यू -2, माइनस डाउनवर्ड के लिए होता है, -4 किलो न्यूटन, और इसको ऐड कर लिया क्लोज। अब इसको मैं इस बीम के ऊपर अप्लाई करूंगा, जो हमारे पास चार ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन लेके, तो यहाँ देख सकते हो आप शिफ्ट प्लस वी से मैं लोड वैल्यू, तो आप यहाँ देख सकते हो ये 2 है आपका और ये है -4। अब मैं इस लोड पे डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ, और W1 को 0 कर देता हूँ चेंज, तो आप देखोगे यहाँ पे लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लीनियर वेरिंग। फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं W3 वाला लोड ले लेता हूँ, ये सेकेंड वाला लोड, W3 यानी कि वो सेंटर में इसके हाई इंटेंसिटी है, यानी कि -4, ठीक है, और दोनों एंड पे 0 होगा चेंज, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लीनियर वेरी लोड है। अब ये लोड प्रैक्टिकली कैसे होता है, ये तो उसके लिए ऐसे समझो कि कोई बीम है, ठीक है, ये बीम है, यहाँ कॉलम से अटैच है, रफली ड्राइंग बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेलिंग, कोई वॉल का वर्क इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कोई वॉल बनी हुई है, ठीक है, ब्रिक वॉल है, मान लो ये ब्रिक वॉल है, या कोई स्टील का कोई काम हो रहा है किसी डिजाइन की वजह से, किसी चीज की वजह से, कोई भी पर्पस हो सकता है इस तरीके से। तो ये जो बीम है आपका, ये नीचे वाला जो बीम है, इस पे जो लोड आ रहा है, इस वॉल का लोड जो आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो इसी शेप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो इस तरह के लोड अगर आपको बीम के ऊपर लगाने हैं, तो आप ये वाला यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगाओगे आप, ठीक है। अब किसी का इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। किसी का कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना, मैं जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, नो सर ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोबारा मैं डेड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरा लोड लगाऊंगा ना ओवरलैपिंग में, तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको डिलीट करके डेड लोड पे क्लिक किया, ऐड किया। मेंबर लोड के अंदर फिर आता है ट्रेपेजॉइडल। देखो लीनियर वेयरिंग और ट्रेपेजॉइडल सेम लोड है, सेम तरह के लोड है, बट डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर देखोगे लीनियर वेयरिंग में आपको D1 D2 कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, और ट्रेपेजॉइडल में D1 D2 आपको दिखाई दे रहा है ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लीनियर वेयरिंग है वो आपका फुल स्ट्रक्चर पे लगता है, फुल लेंथ पे लगता है ना। अगर आपकी बीम की लेंथ 5 मीटर है और आपको लीनियर वेयरिंग लगना है, तो 5 मीटर पे ही लगेगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से लगाना है कि 5 मीटर के किसी पार्ट पे लगाना है, तो आपको लेना होगा ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। उन्होंने दो तरीके से दे दिया, D1 D2 का मतलब होता है कि एलिमेंट के किसी पार्ट पे लगाना है हमें,
तो देखो यहाँ पे मैं डब्ल्यू वन की वैल्यू वही -2 डालता हूँ, डब्ल्यू टू की वैल्यू -4 डालता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ 2 मीटर और यहाँ पे डालता हूँ 4 मीटर। इसका क्या मतलब है अभी समझ जाएंगे। क्लॉज इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो आपका 2 मीटर और 4 मीटर मैंने डाला है, D1 D2, इसका मतलब क्या है? 2 मीटर का मतलब है कि लोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 मीटर के बाद स्टार्ट हो रहा है, ये 2 मीटर है। जो D2 था ये D1 बोलेंगे इसे। D2 का मतलब है कि लोड स्टार्टिंग से किस डिस्टेंस पे फिनिश हो रहा है, वो 4 मीटर पे फिनिश हो रहा है। D2 का मतलब ये है, ठीक है। तो जो लीनियर वेरिंग है उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फुल मेंबर पे लगेगा। अगर आपको किसी पोर्शन पे लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब मेरे को कोई एक बताए बच्चा कि मुझे इस तरीके का लोड लगाना है तो मैं क्या करूँगा? इस तरीके का लोड लगाना है तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना होगा? ये पूरा स्ट्रक्चर लोड इस तरीके का है, ये किसी को कोई आइडिया आ रहा हो तो। सर दूसरा ट्रैपेज़ॉइडल लोड लगा देंगे। हाँ, एक और ट्रैपेज़ॉइडल लोड ले लेंगे, और उसकी जो D1 वैल्यू, जो W1 वैल्यू क्या होगी? -4, और W2 वैल्यू क्या होगी? -2, और D1 क्या होगा? ये डिस्टेंस यानी 4 2 6 मीटर है ना, और D2 क्या होगा? 8 मीटर। लगा के देख लेते हैं एक बार में। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इस पे डेड लोड पे क्लिक करके मेंबर लोड के अंदर ट्रैपेज़ॉइडल ऐड करता हूँ। अब इसमें W1 4, W2 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। ऐड किया, क्लोज, इसको इस बीम के ऊपर अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या गलती हो रही है देखते हैं। इसमें हमने D1 2 डाला था और D2 4, यानी कि ये केवल 2 मीटर की लेंथ है इसकी। ये था आपका 2 मीटर और ये लोड की वैल्यू भी 2 मीटर है, तो इसकी हमें वैल्यू क्या डालनी थी? 4 मीटर और 6 मीटर। ये गलती हमने की है, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे डालता हूँ 4 और यहाँ पे 6 मीटर, चेंज करता हूँ, क्लोज, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर। इसमें किसी का डाउट है? हाँ सर, जैसे हमने पहली बार इसमें लगाया ट्रेपेजोइडल, पहले वाला 2 2 किलोन्यूटन पे और दूसरा 4 पे, जब हमने हाँ इसे दोबारा लगाया तो क्या सॉफ्टवेयर उस 4 वाले को 2 बार एनालाइज करेगा बीच वाले पॉइंट पे या एक बार करेगा? एक ही बार करेगा, एक ही बार ओके करेगा, क्योंकि है ना वो पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं आपस में, है ना। तो उसको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा नहीं है किसी ने अभी तक, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो इसका जो एरो है लास्ट वाला और इसका जो फर्स्ट एरो में ओवरलैप हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पे 8 किलो न्यूटन आएगा या कितना आएगा, है ना। तो यस ठीक है, यहाँ पे 4 किलोमीटर ही आएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों लोड को मैं डिलीट करता हूँ और फिर आगे के लोड पे चलते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स हैं उनको सीखते हैं मॉडलिंग के। मेंबर ट्रेपोहाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, इसको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि काम कहाँ आता है। हाइड्रोस्टेटिक लोड, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब तो समझ रहे होंगे, किससे रिलेटेड है, बताएगा कोई? पर पानी से पानी पानी से। पानी कहाँ होता है, कहाँ पे लगता है पानी का लोड? तो डैम्स डैम और एक वगैरह वाटर टैंक है ना, वगैरह और भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जो अभी हमें याद आ रहा है, वो डैम और वाटर टैंक है ना। अगर हम वाटर टैंक की एक वॉल की बात करें, वाटर टैंक हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, अगर टॉप से देखें सर्कुलर। तो अगर वाटर टैंक में बात करें और ये पानी है, पानी की टॉप सरफेस, और पानी का जो लोड इस वॉल पे लगेगा ना, इस वॉल पे जो लगेगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और टॉप सरफेस पे जाके इसका लोड 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन लेटरल डायरेक्शन है एक्स, और इधर वाले में -x है ये, और इधर पॉजिटिव एक्स लगेगी, और एक लोड लगेगा बेस पे इस पानी के वेट की वजह से। तो बेस पे तो हम नॉर्मल फोर्स लगा देंगे, लेकिन जो वॉल है इस पे कैसे लगाएंगे हम? अब ये अगर मैं टॉप व्यू देखूं सर्कुलर कॉलम का, तो वॉल पे इस तरह से लोड लगेगा, ओके
इस तरीके से, ट्रैपेजॉइडल भी है साथ में सर्कुलर फॉर्म में, अगर सर्कुलर टैंक है तो ठीक है। तो इस तरह की लोड लगाने के लिए हमें काम आता है हाइड्रोस्टेटिक लोड, ठीक है। इसमें हमें लोकल और जो ये लोकल और ग्लोबल जो दिया हुआ है ना, ये इसमें डायरेक्शंस, ये हमारी यहाँ काम आती है। तो जब वाटर टैंक हम बनाएंगे इसको, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें इसकी मॉडलिंग करने लगूंगा तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि टूल्स के आपको आते नहीं है अभी, जल्दी एक दो क्लास में आ जाएगा। इसके बाद है प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस, ये भी बस मैं समझाऊंगा। प्री स्ट्रेस वो होता है जब आप कंक्रीट का कुछ भी कास्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे कि आप बीम बना रहे हो, बीम बनाते वक्त जब वो जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर कंक्रीट भरते हैं, उससे पहले उसमें एक हमने बार लगाया हुआ है जिसमें हमने स्ट्रेस दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है। फिर इसके अंदर हम कंक्रीट बना देंगे, कंक्रीट डाल देंगे और ये जब सूख जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो उसके अंदर इनिशियली एक स्ट्रेस होगी। तो लोड लगने से पहले इसके अंदर इनिशियली जो स्ट्रेस है उसी को प्री स्ट्रेस कहते हैं। पोस्ट स्ट्रेस उसे कहते हैं जब हम इसमें एक होल करके, एक होल होगा उस होल में वायर डालेंगे, ठीक है, और वायर को फिर हम स्ट्रेच करके खींच के उसमें फोर्स लगा के यहाँ क्लैंप कर देंगे, तो ये पोस्ट स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो जब इस तरह की स्ट्रेस अप्लाई करनी हो आपको, थोड़ा सा और डिटेल में हम जब ये आएगा ना टॉपिक तब पढ़ेंगे, जब अगर इस तरह की स्ट्रेस हमें अप्लाई करनी है अपने किसी बीम पे तो हम इस वाले लोड को यूज करेंगे। फिर आता है फिक्स एंड, ठीक है, किसी एंड पे कोई फोर्स लगाना, सेम एज नॉट लोड, किसी एंड पे कोई फोर्स लगाना है किसी डायरेक्शन में, तो छह, आपको पता है कि किसी भी सपोर्ट पे छह रिएक्शन होती हैं, तीन फोर्स होते हैं, तीन मूवमेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू डाल के अप्लाई कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। तो ये मेंबर लोड है। इसके बाद आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर टूल पे चलते हैं क्योंकि अभी काम नहीं आने वाले। फिजिकल मेंबर लोड सेम एज आपके मेंबर लोड है, ठीक है, जो फिजिकल मेंबर की तरह रिएक्ट करना है, उसे बनाना है, इमेजिनरी मेंबर बनाना है, तब यहाँ पे लोड लगता है। एरिया लोड, किसी फ्लोर पे लोड लगाना है अगर, और भी उसके एजिस पे, ठीक है। अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इनको डिटेल में जब लगाओगे, पूरी बिल्डिंग बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लोर लोड, फ्लोर बोलते हैं स्लैब, स्लैब के ऊपर जो लोड लगाते हैं। प्लेट लोड, अगर आपने स्लैब नहीं बनाई है, एक बात बताओ मुझे, स्लैब का लोड ट्रांसफर कहाँ होता है, कोई मुझे बताओ। स्लैब जो है उसका लोड जो है, उसके ऊपर जो हम चलते हैं, फर्नीचर रखते हैं, और उसका खुद का वेट ट्रांसफर कहाँ होता है, किसके ऊपर आता है? कॉलम के ऊपर आएगा? नहीं, कॉलम से पहले एक चीज के ऊपर आता है, बीम के ऊपर, ठीक है। बीम किस पे ट्रांसफर करता है फिर? कॉलम के ऊपर, कॉलम फुटिंग पे, फुटिंग सॉइल पे। तो ये दो लोड दिए ना, फ्लोर लोड और प्लेट लोड, अगर आप स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो फ्लोर लोड लगाओगे, ठीक है। अगर आप स्लैब बनाना चाहते हो और स्लैब के ऊपर ही लोड लगाना चाहते हो तो प्लेट लोड आएगा, ठीक है। शियर वॉल सुना है किसी ने? शियर वॉल, शियर वॉल वो वॉल होती है, आरसीसी की ब्रिक की वॉल ना होके हम आरसीसी के वॉल बनाते हैं लैटरल लोड को रेसिस्ट करने के लिए, तो वहां पे हम ये सरफेस लोड का काम करेंगे। इसी तरह कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड लोड, टेम्परेचर लोड, टेम्परेचर के लिए, सीज्मिक लोड, अर्थक्वेक लोड के लिए, टाइम हिस्ट्री, हम सीज्मिक कोई डाटा टाइम हिस्ट्री का उठा के डालते हैं तो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, विंड लोड एनालिसिस, स्नो लोड, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, रिपीट और फ्रिक्वेंसी। थोड़े से ये सब एडवांस चीज़ें हैं, है ना, इनके लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी सी थ्योरी बतानी पड़ती है, तो जब ये आएंगे तब हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज है टूल्स, इन टूल के बाद आपका मॉडलिंग और डिजाइन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टूल, मैं ऊपर जितने भी टूल है ना एक एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये येल्लो क्यूब, तो आप सभी समझ गए थे ना, जो येल्लो क्यूब में फर्स्ट है आपका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फिर आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। मैं मैग्नेटिक और ले लेता हूँ, मैग्नीफायर, ठीक है। इसके बाद आपका था ये जो एरो डले हुए, ये एरो जिस हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं उसी हिसाब से चीज़ों को रोटेट करते हैं, टेम्परेरी रोटेशन, मतलब वो स्ट्रक्चर रोटेट नहीं होगा। पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिससे आपको देखिए,
ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ से देखो रोटेट कर सकता हूँ इन की से, जिस तरह से रोटेशन एरो दिखाया गया उसी हिसाब से। लेकिन ये आपका परमानेंट रोटेशन नहीं है, केवल स्ट्रक्चर को देखने के लिए है। मैं दोबारा अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्यूब को समझ चुके हैं और इनको समझ चुके हो रोटेशन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और है रोटेशन में, लास्ट में एक बटन है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा किसी नोड को सिलेक्ट करके, किसी नोड कर्सर से इस नोड को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, एक सेकंड, पहले सारे नोड यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब हम इसको रोटेट करते हैं। देखो ये वाला नोड इसने ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया, अब इसके अबाउट ही रोटेट होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोई नोड सिलेक्ट करूं, यह देखो अब ये वाला नोड सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आपको नोड सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करना है, तो वो नोड फिक्स हो जाएगा, उसकी अबाउट रोटेट होगा स्ट्रक्चर। देखो ठीक है, मतलब ये इतने ज्यादा काम की नहीं है इसमें, ये केवल आपकी कोई करने का क्या करना है, क्या दोबारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने ये नोड सेलेक्ट किया, ठीक है, और शिफ्ट और कंट्रोल दबाया और इस पे इस आइकन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दोबारा से कहता हूं तो कंफ्यूजन हो रही है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। देखो ज़ूम करके बताता हूँ, अभी ये बटन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये यूज नहीं है, अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये ऐसा लगेगा इसे प्रेस हो रहा हो। ठीक है, ये हो गया, अब आपको क्या करना है, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ कोई भी नोट सेलेक्ट करना है तो वो फिक्स हो जाएगा, शिफ्ट और कंट्रोल, ये शिफ्ट कंट्रोल, ये शिफ्ट कंट्रोल, ये वो नोड फिक्स हो जाएगा, रोटेशन करोगे तो ये रोटेट उसी के अबाउट होगा। इसको ऑन करना है, ऑन करने कर दोगे तो ये कोई डिफॉल्ट एक नोड को फिक्स कर देगा, फिर आपको शिफ्ट कंट्रोल के साथ जिस नोड को आपको फिक्स करना है उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको डिफॉल्ट के लिए आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये कोई आप कॉम्प्लिकेटेड कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, उसको चारों तरफ से देखना चाहते हो, कहीं पे कुछ चीज आपको उसका एरर रिमूव करना चाहते हो, तब आपका ये काम आता है। ठीक है, तो ये टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, इन टूल में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। नो सर। ठीक है, इसके बगल में ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रांसलेट रिपीट टूल, ये तो हो चुका है ना, अब इसके बगल में वही चीज है ट्रांसलेट रिपीट टूल, लेकिन सर्कुलर पैटर्न में। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला मैं आपको याद दिला दूं, ये वाला जो हम टूल सीख चुके हैं इसमें सारी चीजें हम पता कर चुके थे, ये क्या करता है, केवल पैरेलल एक्सिस पे आपको चीजों को मूव कराता है एक्स वाई जेड, लेकिन अगर मैं सर्कुलर बिल्डिंग बनानी है तो इसके बगल वाला हमारा ट्रांसलेट रिपीट टूल सर्कुलर रिपीट काम आता है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसको यूज करने के लिए पहले मैं इस स्ट्रक्चर को डिलीट करता हूँ, एक सिंगल बीम पे यूज करके दिखाता हूँ। मैंने ग्रिड ऑन की, एक बीम बना दिया, ये रहा, क्लोज कर दी ग्रिड। ठीक है, अब मैंने सर्कुलर रिपीट टूल को ऑन किया, ये रहा, सबसे पहले कह रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, ये एक मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया है, मान लो इस तरीके का, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये जो रोटेट हुआ है किसके अबाउट हुआ है, ये किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट है ना, ये वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो जब भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये पूछता है कि कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है उसको। ठीक है, अब मुझे ये बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये किसके अबाउट रोटेट होगा, जेड के, लेकिन जेड पे तो कोई बीम है ही नहीं, है ना, कोई एक्सिस है ही नहीं, सॉरी इसमें नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस वाई सिलेक्ट कर लेना, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाई है,
मैंने क्या किया यहाँ पे y सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इस तरह से बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है, पूरा सर्कुलर बनाना है तो 360, और नंबर ऑफ स्टेप कितने स्टेप बनाने, देखो चार स्टेप रहने देता हूँ मैं, और लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक का मतलब है ये वाले मेंबर बन जाएंगे, ये लिंक से बनते हैं, लिंक नहीं करोगे तो केवल सीधा सीधा ऐसे एरो बन जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो येलो कर्सर है ये वाला, ये पूछ रहा है कि कहाँ से रोटेट करना है। अगर मैं ये वाला नोड सेलेक्ट करता हूँ उस बीम का, तो जैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है ऐसा बनेगा। अगर मैं ये वाला सेंटर सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अबाउट बनेगा। तो मैं ये वाला करता हूँ पहले, जैसे ही मैंने नोड सेलेक्ट किया, नोड नंबर वन है, वन डाल देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ये जो है नंबर ऑफ स्टेप है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और आपका ये कितना है 360 डिग्री। तो आपको अगर सर्कुलर चीज बनानी है तो नंबर ऑफ स्टेप जितने ज्यादा डालोगे उतना ही स्मूथ आपका क्या बनेगा, सर्कुलर शेप। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस बीम को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा सर्कुलर रिपीट टूल, वाई एक्सिस में येलो कर्सर से ये वाला नोड, और यहाँ डाल देता हूँ 20 लिंक, ओके। अब देखो सर्कुलर, और सर्कुलर बनाना है तो और नंबर ऑफ स्टेप इसमें, ठीक है। तो इसमें पहले एक टूल बता देता हूँ, फिर डाउट क्लास। तो ये तो हो गए एक्सिस, किस एक्सिस के, आपको वर्टिकल चीज बनानी है सर्कुलर वर्टिकल, तो वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, एक्स के, तो आप एक्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये तो हो गए एक्सिस, ये हो गया कितने एंगल में, अगर मैं 180 डालता तो आधा बनता, एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल जेड से अंडो, रिपीट टूल, वाई एक्सिस, यहाँ 180 डिग्री डाल लेता हूँ मैं, और स्टेप 16 डाल देता हूँ, और लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, ये 180 डिग्री बना है, ठीक है। लिंक की वजह से ये बनते हैं। यहाँ पे नोड नंबर डाल दो आप मैनुअली, या इस येलो कलर से वो नोड सेलेक्ट कर लो जिसके अबाउट रोटेट होना है, या फिर उसके कोऑर्डिनेट डाल दो उस नोड के, ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्री ओनली का मतलब वही है, ओपन बेस का मतलब है जब आप वर्टिकली बना रहे हो। तो इस वाले टूल में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, है ना, सिंपल से बना के देखना, करके देखोगे तब डाउट और ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो करके देखना, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कोई एरर आएगा तो बताना। इसी के बगल में एक और टूल है, चारों टूल बताने हैं मेरे को। सबसे पहला है ट्रांसलेट रिपीट टूल, ये तो बता ही चुका हूँ, फिर सर्कुलर रिपीट टूल जो अभी हुआ है, इसके बाद एक और आ रहा है मिरर, ठीक है। मिरर के लिए, मिरर जैसे ऑटोकैड में होता है और सॉफ्टवेयर में होता है, इसमें मिरर का टूल का काम करता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे ग्रिड की हेल्प से, मेरा, और मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये मिरर इमेज हो गई, ठीक है। तो किस तरह से बनानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी मिरर इमेज बनानी है, फिर मिरर टूल पे जाएंगे। ये आ गया, सबसे पहले पूछ रहा है कौन सा प्लेन। अब यहाँ प्लेन का ध्यान रखना है आपको, ये जो मैं डैश डैश में लाइन बना रहा हूँ ये प्लेन है, मिरर को यहाँ पे रखेंगे तभी इसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है ना। और इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, वाई और जेड, ये तो हो गया वाई, अरे ऊपर की ओर आएगा स्क्रीन से बाहर की ओर जेड, तो हम यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, वाई जेड, ठीक है। इसके बाद है येलो कर्सर, येलो कर्सर से हम सिलेक्ट करेंगे कि जो मिरर इमेज बननी है उससे चिपक्के बननी है या दूर बननी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो इससे चिपक्के बनेगी, ठीक है, अभी दूर बता देंगे। कॉपी का मतलब है ये जो ओरिजिनल इमेज है वो भी रहेगी और मिरर वाली इमेज भी बन जाएगी, और मूव का मतलब है कि जो पहले वाली इमेज है वो हट जाएगी स्ट्रक्चर और नया स्ट्रक्चर दूसरी डायरेक्शन में बन जाएगा। ओके करके देखते हैं पहले इसको, ये बन गया। अब मुझे मिरर इमेज थोड़ी दूर बनानी थी, तो कंट्रोल करके दोबारा सेलेक्ट किया मिरर टूल, येलो कर्सर से मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ डिस्टेंस आ गया 5 मीटर, मैं डाल देता हूँ 7 मीटर, ओके। तो ये डिस्टेंस कोई मुझे बताएगा कितनी होगी, चलो बताओ मत, मैं बताता हूँ खुद ही मेजर करके।
ये डिस्टेंस मैंने कितना डाला था, 7। ये इस नोड की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ से वो है 5 मीटर, क्योंकि मैंने जब ये नोड सेलेक्ट किया तो वहां पे 5 मीटर दिखा रहा था, ठीक है, और मैंने डाला था कितना, 7 मीटर। तो ये ध्यान रखना है कि जितना आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस डालते हो उसके डबल पे हमारा ये बनता है, क्योंकि वो मिरर प्लेन का डिस्टेंस पूछ रहा होता है, ठीक है। मिरर प्लेन का डिस्टेंस क्या है, वो 7 ही मीटर है, क्योंकि मिरर कहाँ होगा, वो सेंटर में होगा, तो 5 मीटर से 2 मीटर आगे ही मिरर है, तो 2 मीटर और आगे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसमें। और किसी को कोई डाउट हो तो मिरर वाले टूल में, नो सर। सर मिरर का मतलब वो सेम ही बना देते, जैसा हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी तरह सेम स्ट्रक्चर बना देगा वो, सेम बनाएगा लेकिन उसका ओरिएंटेशन मिरर जैसा होगा ना, उल्टा। अच्छा, है ना, ये देखो ये एल इससे इधर को है, ये एल इधर को है, मिरर बीच में रखोगे तो उल्टी तो दिखाई देती है चीज, उसी हिसाब से ये काम आती है। मान लो आपका कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। मान लो कोई स्ट्रक्चर है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोई प्लान है बिल्डिंग का, तो क्या करते हैं हम आधी बिल्डिंग बनाते हैं, इतनी इतनी बनाएंगे और इसका मिरर कर देंगे तो इतनी ऑटोमेटिक बन जाएगी, इस काम आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मिरर टूल हो गया। मिरर टूल के बगल में है आपका रोटेशन टूल, ये परमानेंट रोटेशन वाला है। ये वाले जो टूल थे आपके, ये वाले, ये थे टेम्परेरी, आपको रोटेट करके देखना है स्ट्रक्चर को कहीं किसी एंगल से, ये है परमानेंट ही पूरा स्ट्रक्चर को रोटेट करना है, ये जो मिरर टूल के बगल में आइकन है। तो देखो मैं इसी को रोटेट करता हूँ। किसी 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करना आसान है, लेकिन किसी 2D ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे को कोई बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी, 2D है कि 3D है? टू डी है ना ये? यस सर, ये 2D है। केवल कौन से एक्सिस पे है ये? केवल एक्स और वाई एक्सिस पे है। अगर मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखूं तो देखो 2D स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा कि रोटेशन 2D में थोड़ा सा ट्रिकी है, 3D तो हो जाता है। ट्रिकी क्यों है देखो, मैं रोटेशन एक्सिस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ गया, इसको टूल को ऊपर रखता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लो जिसको रोटेट करना है, कर लिया। कितना रोटेट करना है, मान लो 30 डिग्री, या एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि वो लाइन बताओ जिसकी अबाउट रोटेट करना है, ठीक है। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे, तो यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए ना जिसके अबाउट रोटेट हो। यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं है जिसके अबाउट ये रोटेट होगा, तो हमें लाइन बनानी पड़ेगी टेम्परेरी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से, तो आपके पास रोटेशन एक्सिस के लिए ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 2D में इस तरह से, अब दोनों तरीके बताता हूँ। पहले ये वाली जो एग्जिस्टिंग लाइन है उस पर क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, येल्लो कर्सर, देखो येल्लो कर्सर है इसमें लेकिन दो हैं, तो पहले येल्लो कर्सर से ये नोड सेलेक्ट किया, दूसरे कर्सर से ये किया, ये कोई सा भी कर लो क्योंकि लाइन तो सीधी है। अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा पूरा स्ट्रक्चर 30 डिग्री में, इस तरीके से। तो मैं 30 डिग्री डाला हुआ है, वही कॉपी या मूव। मूव का मतलब है आपका ये पूरा स्ट्रक्चर मूव हो जाएगा, कॉपी का मतलब है ये तो रहेगा ही, एक नया बन जाएगा 30 डिग्री पे। तो मैं कॉपी करता हूँ जिससे हमें रोटेशन का पता चले। ओके करता हूँ, ये मैसेज आएगा, अब आप देख सकते हो ये मैं जो माउस वो कर्सर की होती है ना कीबोर्ड के, उससे रोटेट कर रहा हूँ। ना ये क्या एंगल है, 30 डिग्री है ये, और ये एक्सिस कौन सा है, किसके अबाउट रोटेट हुआ है, इसके अबाउट। लेकिन अगर हमें ऐसे रोटेट करना होता तो हमें टेम्परेरी एक लाइन इस तरह से बनानी होगी, तो वो भी करके देख लेते हैं। अंडो कर देता हूँ इसे मैं कंट्रोल जेड से। नोड कर्सर से मैंने नोड से ये लाइन सेलेक्ट की, ये नोड, ये वाला नोड,
ट्रांसलेट रिपीट टूल लिया और ये कौन सा एक्सिस है, जेड, जेड में कोई भी डिस्टेंस हमें तो टेम्पररी चाहिए ना, लिंक किया ओके कर दिया, लाइन बन गई किसी भी डायरेक्शन में बने, हमें तो एक्सिस चाहिए क्योंकि येल्लो कर्सर के लिए दो नोड चाहिए। अब ये इसके अबाउट रोटेट होगा, तो सबसे पहले हमने पूरा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया सॉरी बीम कर्सर से, और मैंने गया रोटेशन टूल, मैंने डाल दिया यहाँ पे 45 डिग्री, येलो कलर से ये वाला नोड और दूसरे कलर से ये वाला नोड, और इसको कॉपी किया ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हो फ्रंट व्यू में देख लो, ये स्ट्रक्चर रोटेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने लाइन यहाँ पे बनाई थी, वो देखो ये लाइन बनाई थी, वो रोटेट करने की वजह से यहाँ दिखाई दे रही थी, वो लाइन यहाँ पे थी, इसके अबाउट रोटेट हो गया, बाद में इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये परमानेंट रोटेशन है। इसमें किसी को कुछ पूछना है रोटेशन टूल में? ये जो है जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये इन्हीं नोड वन नोड टू के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, कोऑर्डिनेट देखना चाहो तो आप तो यहाँ से पता ही चल जाते हैं आपका कोऑर्डिनेट, किसी भी नोड पे क्लिक करोगे यहाँ ज्योमेट्री में जाओगे, ये रे जैसे ये नोड है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे नोड के कोऑर्डिनेट 070 हाईलाइट हो गए, तो वहाँ डाल सकते हो, तो इतना तो कोई करता नहीं है, सीधा सिलेक्ट कर लेता है वहाँ से। तो ये रोटेशन टूल जो है, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दो टूल और रह गए हैं इस वाली लाइन के, रिपीट ट्रांसलेट रिपीट टूल हो गया, सर्कुलर हो गया, मिरर, रोटेशन, इसके बाद दो टूल और हैं, फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट, ये वाला जो टूल है, ये वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है आपका, फ्लोर विद ग्रिड इन प्लेट्स, क्योंकि प्लेट अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं है, प्लेट अलग चीज़ है, वो बताऊंगा तब ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक स्ट्रेच बीम, ये वाला बता देता हूँ, इसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये मैंने एक ग्रिड ली और एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये बनाया और ये बनाया, साढ़े चार तक लगातार देखता हूँ कब तक होती है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है ना रेड वाली लाइन, ये मैंने मेजरमेंट की थी ना, ये जाती नहीं है जब तक यहाँ से इसको रिमूव ना करो, ये अब मैं ग्रिड को हटा देता हूँ, ये रहा। तो मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था कि मैंने कि हमारे पास ड्राइंग आर्किटेक्चर से जो आती है वो ऑटो कैड फॉर्म में आती है, और ऑटो कैड फॉर्म से फिर हम उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इम्पोर्ट करते हैं स्टैड प्रो के अंदर। तो जब स्टैड प्रो के अंदर इम्पोर्ट करते हैं तो एक एरर आ जाता है, उस एरर को रिमूव करते हैं हम इस टूल से, तो वो एरर क्या है कि वो गैप रह जाता है बीच में इस तरीके से, या तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना दूं, या मैं इसी को स्ट्रेच करके यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये एक मीटर का गैप है मुझे पता है अभी तो फिलहाल। तो मैं सबसे पहले जिस मेंबर को स्ट्रेच करना है, अब मैं इसके जैसी माउस ले आ रहा हूँ ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आप में से कोई मुझे बताएगा इसका कौन सा पोर्शन मेरे को स्ट्रेच करना है, कौन से कलर वाला पोर्शन, ब्लू, ब्लू क्या होता है एंड पॉइंट, ये ध्यान रखना है बस आपको अभी के लिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और जैसे सिलेक्ट किया स्ट्रेच टूल एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, ये रहा, इस पे क्लिक किया ये आ गया टूल। अब इसमें चार ऑप्शन है इसको स्ट्रेच करने के, तो सबसे इजी वाला ऑप्शन मैं बताता हूँ पहले, सबसे लास्ट वाला सबसे इजी है, लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और येल्लो कर्सर इसके सामने, इससे ये पूछ रहा है कि कौन से मेंबर तक स्ट्रेच करना है, इस येलो कर्सर से उस मेंबर को सिलेक्ट कर लिया बस, और अप्लाई कर दिया, देखो ये स्ट्रेच हो गया, कनेक्ट हो गया उससे, सबसे इजी ये वाला है। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेट स्ट्रेच टूल पे जाता हूँ। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ये स्ट्रेच करना है, ये एक मीटर का गैप है मुझे पता है, कौन सी डायरेक्शन है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस एक्स डाल दूंगा, माइनस वन मीटर फर्स्ट वाले ऑप्शन में, और अप्लाई करूंगा तो ये माइनस वन स्ट्रेच हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी
ये फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले ऑप्शन में है माइनस वन एंड पॉइंट, ये हो गया ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंड आपको स्ट्रेच करना है, कि स्टार्ट नोड या एंड नोड। जैसे कि मैं शुरू में दिखाया था कि ये येलो ब्लू दिखा रहा था एंड नोड, तो मैंने एंड नोड सिलेक्ट किया, माइनस वन डाला क्योंकि माइनस वन मीटर का गैप है और ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो ये ए हो गया। फर्स्ट वाला कुछ और तरीका है वो भी बता देता हूँ, कंट्रोल जेड से एंडो। फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि ये नोड यहाँ पर जिस नोड से कनेक्ट होगा उस नोड के कोऑर्डिनेट्स बताइए, पर यहाँ पर तो कोई नोड है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एक नोड बनाना होगा। और ये जो बनाना है ये भी एक टूल है, इसको भी मैं समझा देता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। स्ट्रेच वाला टूल इतना काम नहीं आता जितना टूल अभी जो मैं बताने वाला हूँ इंसर्ट नोड का काम आता है। ये ब्लैक डॉट को हम क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड को कैसे इंसर्ट करना है उसको देखो। पहले तो ये देखो इसमें ग्रीन कलर ऊपर है, तो ये जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो ग्रीन पॉइंट से यानी कि ऊपर वाले नोड से होगी, तो इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट नोड। नोड पे क्लिक किया तो ये विंडो आ गई, इसमें पूछ रहा है कि नोड कहाँ पे लगाना। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये मुझे पता है वन मीटर है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वन मीटर और यहाँ पे क्लिक करूंगा एड न्यू पॉइंट। यहाँ प्रोपोर्शन आ जाएगा फुल लेंथ का कितना, एड न्यू पॉइंट करूंगा तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में भी पॉइंट दिखा रहा है, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे नोड लग जाएगा। देखो नोड लग गया। अब इस नोड के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे हमें नोड कर्सर से, बस नोड कर्सर से ले आके इस पे क्लिक करोगे 070 है ठीक है 070। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रेच टूल पे जाता हूँ और यहाँ डालता हूँ 070 और अप्लाई करता हूँ तो कनेक्ट हो जाएगा ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, स्ट्रेच टूल पे जाता हूँ। अब थर्ड वाला है आपका येलो कर्सर से पूछ रहा है किस नोड तक कनेक्ट करना है, तो इस नोड को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, कनेक्ट हो गया। तो अभी इंसर्ट नोड वाला मैं और बताऊंगा, पर ये स्ट्रेच टूल वाला खत्म हो गया है। अब मुझे ये बताओ स्ट्रेच टूल वाले में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है ना इतना काम आता नहीं है, और इसे खोलोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। अब बात करते हैं इंसर्ट नोड, इस पे देख मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड पे जाता हूँ। आप तो ये तो जान चुके हो फर्स्ट ऑप्शन, डिस्टेंस डालोगे उसी डिस्टेंस पे नोड लग जाएगा, एड न्यू पे क्लिक करना होगा ठीक है। इसके बाद एक और है आपका यहाँ पे एड मिड पॉइंट, अगर एड मिड पॉइंट पे क्लिक करते हो तो मिड पॉइंट पे नोड लग जाएगा। इसके बाद है एड एंड पॉइंट्स, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एंड डालोगे उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे नोड लग जाएगा। तो तीनों एक बार ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो मिड पॉइंट पे नोड लग गया। अब इस बीम को सिलेक्ट किया इंसर्ट नोड, अब यहाँ पे मैंने डाला 5 एन इज इक्वल टू और एड एन पॉइंट और ओके कर दिया, तो देखो 5 नोड लग गए ठीक है। अब अगर मैं दो बीम एक साथ सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करूं तो ये वही विंडो है, बस थोड़ा सा इसका साइज चेंज हो जाता है। वही चीज पूछ रहा है किस डिस्टेंस पे लगानी है, किस प्रोपोर्शन पे लगानी है, एड मिड पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट ठीक है वही चीज, इमेज नहीं आती की वजह से। मैं एड एन पॉइंट में अगर मैं कर देता हूँ 4 और ओके तो 4 लग जाएगा ठीक है। अब इसमें इंसर्ट नोड में किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपके ये वाले सारे टूल हो गए हैं। ये वाले सारे टूल हो गए ठीक है, और ये वाले टूल भी आपके हो चुके हैं। एक बार और फिर बता दूंगा जिसमें हम डायग्राम में यहाँ पे स्ट्रेसेस देखते थे ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम कराता हूँ,
एक 3D स्ट्रक्चर है, वन स्टोरी बिल्डिंग है, ये है 3D, ये है आपका X डायरेक्शन और ये है आपकी Z डायरेक्शन, और इसके चार कॉलम है इस तरीके से जिन पे फिक्स सपोर्ट है। एक कॉलम यहाँ पे होगा डैश डैश में, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो इसके पीछे आ रहा है, ठीक है। ये रहा, यहाँ लिखता हूँ कॉलम का साइज सबका कितना है, 230 बाय 300 mm। जो बीम का साइज है सभी का वो है आपका 230 बाय 230। मटेरियल जो है सभी कंक्रीट है, ठीक है। जो कॉलम है उनकी लेंथ है 6 मीटर और जो बीम है उनकी लेंथ है 5 मीटर। सेल्फ वेट इंक्लूड किया हुआ है, सेल्फ वेट लगेगा। अब लोड की बात करें तो यहां पर लग रहा है आपका ये लीनियर वेयरिंग लोड, लीनियर वेयरिंग लोड लग रहा है यहाँ इन दोनों बीम पर। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी 5 kN, यहाँ पर भी 5 kN, और यहाँ पर जो लग रहा है ट्रेपोजॉइडल लग रहा है, यहाँ पे 2 kN, यहाँ पे 4, सेम एज यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। तो इन दोनों सामने सामने वाले बीमों पे लीनियर वेयरिंग लग रहा है और यहाँ पे ट्रेपोजॉइडल लग रहा है, ट्रेपोजॉइडल इस वाले बीम पर, ठीक है, फुल लेंथ लग रहा है। अब इसको एनालिसिस करना है, इसका बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, स्ट्रेसेस, सारी चीज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो टेबल आती थी बगल में उसको भी मैं बता दूंगा। तो 6 मीटर कॉलम, 5 मीटर की बीम, ठीक है, मुझे याद है ये। चलते हैं सिंपल से, मैं क्या करूंगा, ग्रिड लेके एक जल्दी से नोट बनाऊंगा, ग्रिड को मैं ऑफ कर दूंगा। ये नोट आ गया हमारे पास, नोट कर्सर से मैं नोट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको ट्रांसलेट रिपीट टूल से बीम बना रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में बीम है 5 मीटर लिंक, ओके, एक बीम बन गया। बीम कर्सर से सिलेक्ट करूंगा मैं, आइसोमेट्रिक व्यू रखना है आपको, जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आइसोमेट्रिक व्यू रखना है। दूसरा बीम जेड डायरेक्शन में है और लिंक भी करना है उसे, क्योंकि हमें बनाना इस तरीके से है ना, ऊपर का फ्रेम इस तरीके से, तो इसको जब मैं जेड डायरेक्शन में मूव करूंगा लिंक के साथ तो बन जाएगा ना, तो वही करने वाला हूं मैं। ट्रांसलेट रिपीट टूल, जेड डायरेक्शन, 5 मीटर लिंक, ओके, ये फ्रेम बन गया। अब इसके जो चार नोड हैं वो डाउनवर्ड नीचे कॉलम बना रहे हैं, तो मैं चार वैल्यू डालूंगा, 6 मीटर तो बन जाएंगे। तो मैं नोड कर्सर लेता हूं, चारों नोड सिलेक्ट करे, ट्रांसलेट रिपीट टूल लिया, डायरेक्शन वाई, स्पेसिंग माइनस में डालनी है ना, क्योंकि डाउनवर्ड जाने हैं 6 मीटर, लिंक, ओके। तो देखो स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सपोर्ट, तो मैं जनरल में जाऊंगा, सपोर्ट, यहाँ पे क्रिएट करूंगा फिक्स सपोर्ट, क्योंकि हमें चारों कॉलम पे फिक्स सपोर्ट लगानी है, ऐड कर दूंगा। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आ गई, चारों नोड ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगा, नोड कर्सर होना चाहिए आपका एक्टिवेट, सपोर्ट पे क्लिक करते ही नोड कर्सर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए मेरा एक्टिवेट हो गया है। और मैं असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे जाऊंगा, जो सिलेक्ट है केवल उन्हीं पे ये सपोर्ट असाइन हो, लग गई ये फिक्स सपोर्ट, मॉडल बन गया, फिक्स सपोर्ट लगे। प्रॉपर्टी की बात आती है, तो मैं जाऊंगा प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिफाइन रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, कॉलम की क्या है हमारी 230 बाय 300, कंक्रीट मटेरियल है और ये हमारा साइज है, YD का मतलब डेप्थ, ZD का मतलब विड्थ, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी है हमारी 230 बाय 230 बीम की और कंक्रीट मटेरियल, इसको भी ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखो दो प्रॉपर्टी आ चुकी हैं,
यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ गई, जिसका R1 है नाम, एक का R2 है, रेफरेंस वन रेफरेंस टू। तो सबसे पहले R1 जो है वो कॉलम के लिए है, तो मैंने सिलेक्ट करी है। अब देखो, अब एक और चीज, नई चीज बताता हूँ। अब मुझे ये R1 केवल कॉलम के ऊपर डालनी है। कॉलम कौन से हैं? C1, C2, C3, C4, ये चार कॉलम है, इनको डालनी है। तो क्या करना होगा मुझे? कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करना होगा, तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? असाइन टू सिलेक्टेड बीम, ठीक है। और असाइन पे क्लिक करूंगा तो जो असाइन है, जो सिलेक्टेड बीम है, उन्हीं पर ये जाएगा। ये इसमें बीम ही बोल रहा है, यहाँ पे कॉलम है वैसे, तो ये प्रॉपर्टी केवल उन्हीं पे जाएगी जो सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम सिलेक्ट करके असाइन पे क्लिक करता हूँ, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें हजार कॉलम है, और वो भी पता नहीं ऐसे लीनियरली नहीं है। अब उन सबको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? कंट्रोल दबा के मैं हजार बार क्लिक करूंगा क्या? नहीं, उसका जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं। अभी वाला तरीका क्या था? कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड का क्लिक करना होगा हर कॉलम पे, तभी वो सिलेक्ट होगा। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट, इसमें जाना है बीम पैरेलल टू। ये जो बीम है, जिनको ये हर चीज को बीम बोलता है ये, लेकिन हमारे कॉलम में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वाई में। तो वाई पे क्लिक करूंगा मैं, तो सारे वाई के सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे असाइन कर दूंगा, तो ये हो, देखो R1 R1 आ गया, प्रॉपर्टी लग गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पिरामिड होता है, ये रहा। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि देखो, कॉलम को प्रॉपर्टी मिल चुकी है, लेकिन बीम को प्रॉपर्टी नहीं मिली है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब बीम को भी सिलेक्ट करने का तरीका, सबसे पहले प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल दबा के बीम को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे बीम है, तो कैसे करेंगे? तो वो सिलेक्ट में जाएंगे, बीम पैरेलल टू एक्स, एक बार एक्स, और बीम पैरेलल टू एक बार जेड, और फिर असाइन कर देंगे। और यहां पर पिरामिड पे क्लिक करके देख लेंगे कि प्रॉपर्टी लगी या नहीं। यहां तक किसी को डाउट? इसके बाद लोड की बारी है। है किसी को कोई डाउट? आगे चले, ठीक है। अब लोड की बारी है, तो यहाँ इन दोनों बीम पे लीनियर वेरिंग लोड था, और उसकी इंटेंसिटी थी 5 और फुल मेंबर। तो मैं जाऊंगा इन सबको हम मान लेते हैं। अच्छा चलो, इनको मानते नहीं है, जैसा होता है प्रैक्टिकली वो करते हैं। डेड लोड के अंदर आएगा केवल, हम ले लेते हैं सेल्फ वेट, ठीक है। और जो भी लोड हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, उनको ले लेते हैं हम लाइव लोड, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करके ऐड करूंगा डेड लोड। पहले से एक लोड है, उसको डिलीट करते हैं पहले, उसी को भी ले सकते थे। ऐड, यहाँ पे डाला मैंने डेड, ऐड कर दिया। और दोबारा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लाइव, और लाइव क्लिक करके ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो लोड टाइप हो गए, डेड और लाइव। सबसे पहले डेड पे क्लिक करूंगा, डेड के अंदर क्योंकि केवल सेल्फ वेट है, तो डेड पे मैंने क्लिक किया और ऐड किया। सेल्फ वेट यहाँ पे है -1, मैंने बताया था क्यों होता है, और वाई डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से। ऐड किया, क्लोज। सेल्फ वेट हमेशा असाइन टू व्यू करना है आपको, क्योंकि वो हर मेंबर पे लगेगा। असाइन टू व्यू, असाइन और व्यू, ये लग गया, इसका कोई एरो नहीं दिखाई देता। अब लाइव लोड पे जाते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों मेंबर पे मैंने बताया था कि इस तरीके का लोड लग रहा है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जब 5 इसकी इंटेंसिटी है। तो मेंबर लोड में लीनियर वेरिंग में दूसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पे बस -5 डालना है आपको, और इसको ऐड कर देना है। और इसको कितने भी मेंबर पे आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है एक मेंबर के लिए एक लोड होता है। इस पे असाइन ऑप्शन ले लेता हूँ, असाइन। अब जिस बीम पे क्लिक करूंगा उस पे ये लग जाएगा, ठीक है। अब लाइव लोड के अंदर दूसरा लोड है ट्रेपोजॉइडल, जिसकी इंटेंसिटी 2 है, 2 और 4, जो इन दोनों मेंबर पे लग रहा है। तो मैं लाइव पे क्लिक करके ऐड करूंगा लीनियर वेरिंग मेंबर लोड के अंदर लीनियर वेरिंग, लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन
माइनस टू और माइनस फोर, माइनस डाउनवर्ड के लिए होता है ऐड क्लॉज, इसको भी यूज कर्सर लेके असाइन करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो लोड हमारे सारे हो चुके हैं। अब एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे एक करना होता है एनालिसिस एंड प्रिंट ऐड, ये भी मुझे बताना है एक बार डिटेल में, और एनालाइज कर देना। जीरो एरर जीरो वार्निंग डन, ये हो गया। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे देखते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओ पहले आप, सबसे पहले आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पूछ रहा है कि रिजल्ट जो देखने हैं वो किसके लिए देखने हैं, डेड के लिए कि लाइव के लिए। तो मैं दोनों लोड ले गया हूँ। ओके, जो डिफॉल्ट शेप आती है आपकी ग्रीन, वो है आपका डिफ्लेक्शन, जो बहुत कम है। कंट्रोल दबा के अगर मैं माउस का स्क्रॉल को घुमाता हूँ तो ये थोड़ा सा एनहेंस होके दिख जाएगा। और ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, तो आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये आ रहा है यहाँ पे सिलेक्टेड लाइव लोड, ये जो डिफ्लेक्शन है लाइव लोड की वजह से आ रहा है। और कितना आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे रिजल्ट व्यू वैल्यू, यहाँ पे जाओगे बीम रिजल्ट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एनोटेट। तो देखो ये सारे डिफ्लेक्शन वैल्यू है, किसकी वजह से है, ये लाइव लोड की वजह से है। अगर हम डेड लोड की वजह से देखें तो देखते हैं कि डेड लोड ज्यादा है कि लाइव लोड ज्यादा है, यानी कि जो एक्सटर्नल लोड लगे हैं वो ज्यादा है या इसका खुद का वेट ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे किसी एक का नोटिस कर लो आप, यहाँ पे आ रहा है 2.420 mm डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। अब मैं यहाँ को डेड को चेंज करता हूँ लाइव को चेंज करता हूँ डेड में, तो अब आ रहा है 0.92940 mm, यानी कि डेड लोड कम है लाइव लोड ज्यादा है ना, इसका मतलब यह। तो इस तरह से आप रिजल्ट देख सकते हो। ये क्या था, ये था केवल डिफ्लेक्शन। अब मैं एक्टिवेट करता हूं बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन को हटाता हूं, दोनों एक साथ भी देख सकते हो। पहले इसके डायग्राम को एनहेंस करता हूं, ये रहा, ठीक है। और अब मैं रिजल्ट व्यू वैल्यू बीम रिजल्ट में डिफ्लेक्शन हटाता हूं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनोटेट करता हूं, ये रहा। इसकी भी वैल्यू डेड के लिए अलग होगी, लाइव के लिए अलग होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये रहा, शियर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसको हटा दो, ये रहा, शियर फोर्स इन जेड डायरेक्शन, एंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन। जरूरी थोड़ी ना हर फोर्स जनरेट हो, है ना, बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। अब बेंडिंग में जेड के बाद जो आ रहा है वो प्लेट स्ट्रेस है, बीम स्ट्रेस है, वो बाद में बताऊंगा। ये डिफ्लेक्शन है लास्ट वाला, और बीच में जो अनलॉकिंग को भी मैं बाद में बताऊंगा। अब पोस्ट प्रोसेसिंग में हम जैसे ही जाते हैं तो टेबल आती है और डिफ्लेक्शन हमारा डिफॉल्ट आता है। ये टेबल बता रहा है, देखो पहले पॉइंट को टेबल को बड़ा कर लेता हूँ। ये टेबल कह रहा है कि नोड नंबर वन डेड लोड की वजह से इतना डिफ्लेक्शन एक्स में आ रहा है, इतना वाई में आ रहा है, इतना जेड में आ रहा है, टोटल रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन इतना आ रहा है, रोटेशन 0 0 0 है, क्योंकि नोड वन पे फिक्स सपोर्ट है तो रोटेशन तो जीरो हो गई। ये सारी सपोर्ट है आपकी, 8 सपोर्ट है, 8 नोड है आपके पूरे स्ट्रक्चर में, उन सब में डेड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन और कितना रोटेशन, ये वो टेबल है, ठीक है। समरी पे जाओगे तो इसमें मैक्सिमम दिखाएगा और मिनिमम दिखाएगा। तो नीचे वाली टेबल में आपका बीम के अंदर क्या है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। बीम नंबर वन के अंदर डेड लोड की वजह से इस डिस्टेंस पे ये आपका इतना डिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक लाइन को समझा देता हूं कि बीम नंबर वन, जिसका नाम क्या है वन, डेड लोड की वजह से जीरो डिस्टेंस पे एक्स डायरेक्शन में जीरो डिफ्लेक्शन है, वाई डायरेक्शन में जीरो डिफ्लेक्शन है, जेड डायरेक्शन में जीरो डिफ्लेक्शन है, रिजल्टेंट जीरो है। 1.250 मीटर पे, यानी यहाँ पे कुछ x में कितना है, y में कितना है, z में कितना है, रिजल्टेंट कितना है, वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से टेबल बनी हुई है। ठीक है, राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर डायग्राम में आप इसको देख सकते हो, फुल सेक्शन इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। ये आप एक चीज और, जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करते हो, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास बंद करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग में टेबल आती है डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे देखो नोड आ रहा है,
और नोड के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन सिलेक्ट है इसलिए डिफ्लेक्शन प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं रिएक्शन पे क्लिक करूंगा तो रिएक्शन दिखाएगा, देखो यहाँ पे हर जो हर सपोर्ट पे क्या क्या रिएक्शन जनरेट हो रही है। इसी तरह मैं बीम पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले बीम के फोर्स दिखाएगा यहाँ पे फोर्सेस। अगर मैं क्लिक करता हूँ स्ट्रेसेस पे तो ये स्ट्रेसेस के बारे में रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं ग्राफ पे करता हूँ तो जिस बीम पे क्लिक करूंगा उसके बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स सारे डायग्राम दिखाएगा यहाँ। कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो उसके डायग्राम आ जाएंगे, बीम पे क्लिक करता हूँ तो उसके डायग्राम आ जाएंगे। ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, अभी रिपोर्ट का बाद बताऊंगा। इसमें मैं डिफ्लेक्शन एनिमेट करना चाहता हूँ। एनिमेशन का मतलब पता है कि किसी चीज को मूवमेंट डालनी, तो एनिमेशन डिफ्लेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये जो देखो हिल रहा है ना हल्का हल्का, ये किसकी वजह से? लाइव लोड की वजह से इतनी वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन नहीं डिफ्लेक्शन, ये एनिमेट करके दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो हमें डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बढ़ानी होगी पहले, और एनिमेशन सेक्शन डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ये सेक्शन डिफ्लेक्शन है किसकी वजह से? लाइव लोड की वजह से। अब देखो यहाँ पे डेड लोड की वजह से, डेड लोड की वजह से ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल एक फ्रेम था 3D फ्रेम, जिसमें दो तरह के कैसे कैसे रिजल्ट देखते हैं। अभी डिजाइन पे हम नहीं आए हैं, अभी केवल एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इस वीडियो को मैं शाम को डाल दूंगा तो आप वहां पे देख लेना, अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। 13 स्टूडेंट है, स्टूडेंट कम हो जा रहे हैं। यही चीज अगर फीस दे के होती तो फिर करते हैं सभी। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है कि वीडियो तो मिली जाती है ना। ठीक है, मैं इस क्लास को लीव कर रहा हूँ और क्लास कल होगी फिर।